Hey guys, welcome back to my channel. और आज हम जा रहे हैं दोबारा से कॉलेज और आज हम कॉलेज का कॉलेज टूर करने वाले हैं क्योंकि HMR का उतना था नहीं कॉलेज और YouTube पे तो आज हम बताने वाले हैं। हम तोड़ गए जब तुम चके तब से तुम नजर ले रहे थे आपने तो देख ही लिए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। एंड मुझे अपने कॉलेज की मेन प्रॉब्लम ये लगती है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। कॉलेज पहुंच चुके हैं और मैं आपको जो बताया था कि मेन जो प्रॉब्लम लगती है मुझे अपने कॉलेज की वो है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मतलब आप आ तो जाओगे यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जाने के वापस जाने का कोई साधन नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ये वो इशू ये वाला इशू फेस करते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इशू कोई है ही नहीं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आप अपना व्हीकल लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है फिर आप। एंड अभी तो बसेस भी HMR के बंद हो रखी है कोविड की वजह से, अभी बस भी ऑन नहीं हुई है जिसकी वजह से अभी और मतलब प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। तो मेन प्रॉब्लम मुझे ये लगती है ट्रांसपोर्टेशन। क्लासरूम है हमारा भाई, हम खुद ही इसमें 15-20 दिन ही बैठे हैं इसमें सही से। हाँ, और मेन ये है कि अगर आपको CSE चाहिए तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, CSE IT या EC। एंड इलेक्ट्रिकल वगैरह तो इतना सही नहीं है यहाँ पे। अगर CSE अवेलेबल भी नहीं है अभी यहाँ पर। हाँ, अगर CS ब्रांच चाहिए आपको CSE या IT वगैरह तो आप एडमिशन ले सकते हो, सिंपल बात यही है। एंड बाकी में ट्राई करोगे तो मतलब है भी नहीं भी है, अभी हमें खुद आइडिया नहीं है कि इलेक्ट्रिकल है इस बार कि नहीं है, बट मैकेनिकल तो नहीं है मेरे ख्याल से इस बार, मैकेनिकल यहाँ से चला गया। तो ये आपने हमारे सारे CS के लैब है, वहाँ पर सारे कोडिंग वगैरह करते हैं और टीचर्स भी यहीं रहते हैं, स्टाफ रूम वगैरह भी यहीं है। ये CSE डिपार्टमेंट है ना, सारे ऑलमोस्ट लैब यहीं पर है। DC लैब, DS लैब, ये DS सेकंड ईयर में आपके आएगा। ये हमारा सर्वर रूम है, कुछ इस तरीके का दिखता है थोड़ा लैब। ये पूरा हमारा CS लैब है, ये अलग से उन्होंने बिल्डिंग सेपरेट कर रखी है लैब्स के लिए। एंड ये हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है, सारे फीस वगैरह आप यहीं पे करोगे एंड जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको यहीं से मिलेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। एंड यहाँ पे आपकी फ़ी सबमिट होगी, जितने भी फ्रेशर आएंगे वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे फ़ी सबमिट होगी, आप यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हो।
और रिसेप्शन एरिया दिखाते हैं। रिसेप्शन एरिया आपको ले चलते हैं अभी। ये हमारा रिसेप्शन है। ये हमारा गार्डन एरिया है, यहाँ पे स्टूडेंट चिल आउट करते हैं। अभी तो यार कोई आ ही नहीं रहा है वैसे। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके नेम आप देख सकते हो। कोविड की वजह से मतलब अभी कोई आया ही नहीं है। अभी पास आउट वगैरह आ रहे हैं अपना प्रोविजनल लेने। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट आई थिंक। तो खैर बंद हो गए यहाँ पे सब टीचर्स रहते हैं। ये कॉलेज का फ्रंट व्यू है, यही से एंट्री होती है बच्चों की। बसेस वगैरह भी ऑन नहीं किया इन्होंने कोविड की वजह से, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। यही से एंट्री होती है कॉलेज में। अगर आपको कॉलेज आना है तो यहीं से एंट्री लीजिएगा, क्योंकि दूसरे वाले गेट से ये लोग घुसने नहीं देते। ये फ्रंट है। देखो यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा था छोटा सा कॉलेज टूर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।